और अभी आ रहा है टॉस होने के लिए। ये करके दिखाओ। एस्टेरियन गर्ल नेम एस्टेरियन। भाई देख लो भीड़ कितनी हो रही है, स्कूल में तो कभी इतनी हुआ ही नहीं करती थी। फिलहाल मैं कॉलेज तो आ चुका हूँ, अभी 1 बजे से क्लासेस है मेरी, लाइब्रेरी गया था, ये मेरा स्कैन ही नहीं कर रहा था। आई होप यू आर सेफ एंड हैप्पी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रियलिटी वर्ल्ड। तो आज क्या है, आज मैं डायरेक्ट कॉलेज जा रहा हूँ अपने घर आगरा से। तो सुबह मैं 6 बजे का निकला हूँ, कुछ भी नाश्ता पानी कुछ नहीं किया था, तो अभी फिलहाल रुके हुए हैं यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे पर, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। Few moments later. फिलहाल मैं कॉलेज तो आ चुका हूँ, अभी 1 बजे से क्लासेस है मेरी, लाइब्रेरी गया था, ये मेरा स्कैन ही नहीं कर रहा कार्ड, उसको फिर से ठीक कराना होगा यहाँ पे। अरे देख लो भीड़ कितनी हो रही है, स्कूल में तो कभी इतनी हुआ ही नहीं करती थी। तो भाई इधर हमारा कैफेटेरिया है, तो ये हमारा कैफेटेरिया है, यहाँ पे इटालियन, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, रशियन, हर तरीके फूड मिल जाएंगे। ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, दो हैं, और ये है फुटबॉल कोर्ट, वो फुटबॉल ग्राउंड, इसके पीछे है क्रिकेट ग्राउंड, और ये है सी ब्लॉक। मतलब अगर मैं वैसे कैंपस दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल हमारे साथ हैं BLL के हमारे नए मेट, क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा आदित्य। तो देखो ये भाई आतिफ भाई बुक पढ़ रहे हैं, मुझे तो बुक पढ़ने का कभी शौक ही नहीं था, स्कूल की पढ़ाई भी मैंने यूट्यूब से देख के करी है। ये धूप आ गई। ये श्वेता एस्टेरियन गर्ल। नेम एस्टेरियन। हाँ एस्टेरियन ही है ना मैं भी। तो फिलहाल हम लोग स्पोर्ट्स ऑफिस जा रहे हैं बैट बॉल लेने, क्योंकि 1 बजे से क्लास है, बहुत टाइम है, अभी 10 ही बज रहे हैं, तो जब तक क्रिकेट खेलेंगे। मैं स्पोर्ट्स रूम में गया था, मैंने बोला बैट बॉल के लिए, तो उनके पास अभी इंडोर गेमिंग के इक्विपमेंट्स अलाउड हैं, बाकी का अभी धीरे धीरे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्पोर्ट्स क्लब में, उसके बाद फिर हम लोग ले लिया करेंगे और फिर खेलेंगे। ये हैं तबरेजा भाई, तो 1 बजे से क्लास है, क्या करने का इरादा है जब तक? भाई कुछ इरादा नहीं है, यहीं पर बैठे हैं, करते हैं। ऐसे ही बोर हो जाएंगे ऐसे तो बैठे बैठे। और कैसा एक्सपीरियंस है नए कॉलेज का? अभी जो 4-5 दिन ओरिएंटेशन चला है, उसके बाद आज पहला दिन। वो तो बोरिंग था ओरिएंटेशन। अच्छा आज तो पहला दिन है, मतलब अच्छा फर्स्ट डे है भाई, बक्के आए हैं तो 6 बजे नींद। अच्छा और इतना देर बैठा है। और मैं तो फिलहाल आगरा से आया हूँ गाड़ी से डायरेक्ट यहाँ पे। भाई वो तो कोटा से आया है। कोटा से भी हॉस्टल ले लिया, हॉस्टल से आया है, हॉस्टल से आया, मतलब कोटा से, कोटा कहते हैं, कोटा गया था। हमारी क्लास रूम नंबर 214 है, और अभी जो मैंने दिखाया था, अभी जो मैंने दिखाया था ना, वो रैंप वॉक था, और उससे पहले मैंने कुछ कर चुका हूँ, हॉस्टल की वैन आती है अगर लंच देखिए, तो मैंने लंच तो कर लिया है, उसके बाद एक ये सिंगिंग क्लब था तो वो रैंप वॉक कर रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो दिखा दी। तो अब 1 बजे से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। तो ये अपनी क्लास अभी पूरी खाली हो गई है, कुछ देर पहले तो मैं बैठने की जगह नहीं थी, और पीछे से व्यू कुछ ऐसा आता है नीचे जितना दिख रहा है, ये कैफेटेरिया हमारा। भाई आज पहले दिन क्लास में तो कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब अटेंडेंस तक नहीं लगी, इतनी भीड़ थी,
और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका ग्रीन स्टेशन भी नहीं हुआ है। पहला दिन तो बहुत ये करके बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और एक तो भीड़ थी ना इतना ज़्यादा, क्राउड कहीं चले जाओ कैफेटेरिया बिल्डिंग में क्लास में हर जगह भीड़ ही भीड़। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, अभी चार बजे से छः बजे तक और क्लास दो घंटे। तो भाई फिलहाल क्रिकेट खेलने के लिए आ गए हैं, 4 बजे की क्लास है, उससे पहले जब तक क्रिकेट खेलेंगे अपना। और अभी जा रहा है टॉस होने के लिए, ये करके दिखाओ ये। भाई उधर बना लिया विकेट, इधर है नॉन स्ट्राइक, और इसके अंदर अंदर ही खेलना है फिलहाल तो। चलो मैं कर ले, ठीक है। अरे भाई यहाँ भी लग जाओ सब भाई। प्ले बॉल। देखो भाई कॉल करनी है ना, बता। एक मिनट होगी। यहाँ से आप हम लोग निकल रहे हैं हॉस्टल के लिए। तो मैं घर पर वापस आ चुका हूँ, और आज तो मेरा पूरा दिन तो दिमाग खराब हो गया। मतलब पहला दिन था ना, इतना ज़्यादा क्राउड देख के बिल्कुल ओवरलोड हो गया। तो आई होप आप सबका दिमाग खराब नहीं हुआ होगा, आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।